हेलो गाइस गाइस आज मैं रक्षाबंधन की मेकअप क्रिएट करूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए गाइस हम पहले टोनर कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है गाइस। तो हमें टोनर अच्छे से अप्लाई कर लेनी है एंड देन टोनर अप्लाई करने के बाद सेकंड हमें प्राइमर अप्लाई करनी है गाइस। तो हम प्राइमर अप्लाई कर लेते हैं एंड गाइस प्रोडक्ट्स की लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपको यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप देख लीजिएगा। देन हम थर्ड इस्तेमाल करेंगे मॉइस्चराइज़र। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं मैं कौन सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ गाइस, जो कि मेरा 12 मंथ्स चॉइस है। सो हम अप्लाई कर लेते हैं अच्छे से। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा वो हम अपने हाथों पर इस्तेमाल कर लेंगे। देन हम फाउंडेशंस लगाएंगे, लिक्विड फाउंडेशंस। गाइस मैं हमेशा लिक्विड फाउंडेशंस ही चॉइस करती हूँ। तो चलिए अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से। देन हम इसके बाद कंसीलर अप्लाई कर लेते हैं, लाइटली अप्लाई करेंगे गाइस, ज़्यादा डार्क अप्लाई नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने बहुत कम क्वांटिटी अप्लाई की है, जहाँ जहाँ हाइलाइट्स करने हैं वहाँ वहाँ किया गाइस। मैं अपनी फोरहेड में अप्लाई नहीं करूँगी, ज़रूरत नहीं है गाइस, बहुत लाइट मेकअप करनी है हमें। अब हम कॉम्पैक्ट पाउडर से अपना जो हम कंसीलर अप्लाई की थी जहाँ जहाँ वो सब सेट कर लेंगे। तो अब हम अच्छे से ब्रश से इसको अप्लाई कर लेंगे अच्छे से। देन हम अपने आईब्रोज फिल कर लेते हैं पहले। इसके बाद हम दोनों ब्रो को अच्छे से ऐसे कॉम कर लेंगे। हम करेंगे अपना आई मेकअप गाइस। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पिंक कलर, जो कि मैं पहले आई लिड पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से करना है। इसके बाद हम आउटर वी पे एक मरून कलर लेके उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे गाइस। मैंने यहाँ पर मरून कलर भी इस्तेमाल की है बहुत ही लाइट से। देन हम एक ब्लैक शेड लेके फिर से आउटर वी पे फिर से इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से, ताकि एक लाइट स्मोकी लुक्स आए गाइस। डार्क नहीं, एक लाइट स्मोकी लुक्स आना चाहिए आइस पे। अब इसके बाद एक गोल्डन कलर लेके मैंने इनर कॉर्नर पे अच्छे से अप्लाई की है, हाइलाइटर्स की ज़रूरत नहीं थी तो वो ही मैंने इस्तेमाल किया। आपके पास अगर है कोई गोल्डन, जो एक ब्राउनिश गोल्डन होते हैं वो मैंने अप्लाई किए हैं। तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं हम अपना दोनों आई को ही कर लिया गाइस। अब देख सकते हैं कितना अच्छा सा लुक आया है। अब हम वही मरून कलर लेके अपना लोअर लैश लाइन फिल कर लेते हैं। इसके बाद हम एक ब्लैक कलर लेके भी इसको अच्छे से इसके ऊपर ब्लेंड कर देते हैं। ब्लेंड करना ज़रूरी है गाइस, इसको थोड़ा सा स्प्रेड करना ज़रूरी है। तो अब हम आईलाइनर लगाएंगे गाइस। आईलाइनर आप देखेंगे मैंने जो विंग बनाए हैं उसके ऊपर देख सकते हो, और एक विंग बनाई है मैंने, ये मतलब थोड़ा डिस्टेंस रखा, वो रखना ज़रूरी है, थोड़ा यूनिक लगता है। आईलाइनर का काम ख़त्म गाइस। अब हम क्या करेंगे ब्लैक जो आई शेडो है उसको लेके आईलाइनर के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर देंगे पूरे, मतलब जहाँ जहाँ हमने आईलाइनर लगाया है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा इनर कॉर्नर पे भी लगाया है, तो ये दोनों जगह पर हम अच्छे से आप देख सकते हैं हमने ब्लेंड करना है। एक हमने बोला ना, एक बहुत ही लाइट स्मोकी मतलब लुक्स आना चाहिए, जिसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो यू कैन सी गाइस ये कितना अच्छा एक लुक्स आया है। तो चलिए हम दोनों आईज़ पे कर लेते हैं। तो हमने दोनों आईज़ पे कर लिए। इसके बाद हम जहाँ जहाँ हाइलाइटर्स अप्लाई किए थे वहाँ वहाँ हम हाइलाइटर्स अप्लाई करते हैं गाइस। आज हम चीक्स पे हाइलाइटर अप्लाई नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर एक ऑरेंज शेड का गाइस ब्लश अप्लाई कर रही हूँ मैं। आप देख सकते हैं एक ऑरेंज कलर शेड का ओनली ब्लश अप्लाई करूँगी आज, लाइट से बहुत ही लाइट अप्लाई करूँगी एंड ज़्यादा डार्क नहीं। तो आप भी अप्लाई कीजिए ऐसा, कैसा लगता है आप देखिए। थोड़ा सा शेडो क्रिएट करने के लिए मैंने
थोड़ा चीक्स के ऊपर अप्लाई किए हैं, तो मैंने हाइलाइटर अप्लाई नहीं किए। हम मस्कारा लगाएंगे, हम फॉल्स लैश भी यूज़ नहीं करेंगे। गाइस आप देख सकते हैं मैंने जितना मेकअप वीडियो है मैं मतलब फॉल्स लैश बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, मतलब मस्कारा प्रेफर करती हूँ ज़्यादा। मतलब बहुत मतलब अच्छा वेडिंग्स या कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपका चॉइस है। मेरा चॉइस मतलब आई लैश अच्छा नहीं लगता उतना, तो मैं ऐसे ही मस्कारा को अच्छे से अपना आईज को कर्ल कर लेती हूँ। ये गाइस हो गया हमारा दोनों आई फिल करना मस्कारा, एंड देन हम अपना लोअर लैश लाइन पे काजल अप्लाई करेंगे थोड़ा सा। लास्ट चीज़ बाकी है गाइस हमारा लिपस्टिक, तो यहाँ पर मैं हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक अप्लाई मतलब कर रही हूँ। थोड़ा मेरे लिप्स को थोड़ा सा मतलब एक थोड़ा बड़ा शेप दूंगी गाइस, एक क्रॉस शेप जिसको बोलते हैं। ये बहुत ही प्रीटी कलर है इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड रक्षाबंधन है तो ये तो चलता ही है। गाइस मेरा रेडी है। गाइस मैं कोई भी सेटिंग्स पर अप्लाई नहीं करूँगी, ज़रूरत नहीं है तो क्योंकि घर पे ही रह रही हूँ, तो आई थिंक नो नीड। तो चलिए अपना फाइनल लुक्स देखते हैं। Hope you like this video. If you like, then please subscribe to my channel and guys follow me on Instagram.